5% मार्क्स मिले एग्जाम में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पापा, पापा जल्दी आओ ना, गुड न्यूज है। पापा पापा सुनो ना, मुझे ना आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। आपको पता है मुझे कॉलेज में 95% मार्क्स मिले, कितनी बड़ी गुड न्यूज है ना, है ना पापा? 95% कितने ज्यादा होते हैं, बापरे बहुत अच्छी गई थी मेरी एग्जाम। यस 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 यस, मैं पास हो गई। अरे पापा सुन रहे हो ना, 95% मार्क्स मिले, 95 कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ मैं। पापा आपको पता है मुझे 95% मार्क्स मिले, 95% पूरे कॉलेज में मैं फर्स्ट आई हूँ। 95% मार्क्स कितने ज्यादा होते हैं आपको पता है, लेकिन मुझे अकेली को 95% मार्क्स आए, तो बहुत खुश हूँ 95% मार्क्स लेके। एग्जाम हुई नहीं और 95% मार्क्स आ गए, हाँ? चल उठ। तो फोन किसका आया था फिर? 8:30 बजे पेपर है, अभी 8 बज रहे, 8 बजे सो के उठ रहे, 95% मार्क्स। रियल में 95% मार्क्स नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सपने में तो आ ही सकते हैं ना, क्या बुरा है इसमें। रात को तो सोच के सोई थी कि सुबह 5 बजे उठूंगी और 5 से 7 बजे तक स्टडी करूंगी, लेकिन सपने में ही 95% मार्क्स ले लिए। तो 8:30 बजे मेरी एग्जाम है और अभी 8 बज रहे। क्या है सवेरे सवेरे तेरा कंप्यूटर चालू हो गया? तू भी तो लेट होते है एग्जाम के लिए। कुछ नहीं, कल से उसकी भी तो स्कूल चालू हो रही है, तब उसको पता चलेगा। अभी ना एकदम फ्रेश लग रहा है यार। एक बात बताऊँ, इंसान ने ना जल्दी उठना चाहिए। वो क्या है, मैं ना जल्दी नहीं उठती हूँ ना, तो मुझे आज रियलाइज हुआ कि है ना जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा वैसे अभी है ना मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और लिप बाम वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद में ना मैं बाल पोनी वगैरह कर लेती हूँ। देखो ना मेरे बाल कितने खराब हो गए यार, हेयर वॉश करना इसीलिए से हो गए वो। तो ये रहा मेरा एक ग्लास दूध। वैसे सुबह सुबह है ना कुछ खाने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैं दूध ही पी रही हूँ। हो गया मेरा दूध फिनिश, देखो। आने पापा, हाँ चलो ना रेडी हो जाओ ना, छोड़ने नहीं चलना। मामा जाएंगे छोड़ने के लिए। क्यों? मेरे को काम है ना, थोड़ा बाहर जाने का। ठीक है चलेगा, फिर मैं मामा के साथ जाऊँ। हाँ मामा के साथ में जा, और मामा उधर ही वेट करेंगे एग्जाम देके, मामा के साथ ही वापस रिटर्न आ जाना। ठीक है चलेगा। मम्मी जा रही हूँ, बाय। तू कैसे उठ गई लेकिन इतनी जल्दी? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। इतनी ठंडी चालू है फिर भी एसी चालू करके सो रही। पूरा ब्लैंकेट ब्लैंकेट ओढ़ के। चलो ना ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मुझे मामा के साथ जाना है। तो मेरे जो ब्लैक बैग है ना, जो मैं आज कॉलेज लेके जाने वाली हूँ, वो है ना मिल ही नहीं रही है। और मम्मी और नानी सुबह सुबह चालू हो गए कि कल ही ढूंढने को क्या हो गया था, अभी नहीं मिल रही है, ये वो स्टार्ट हो गया। पता नहीं कहाँ, ये इधर है। वाह, कहाँ मिली आपको ये? कबर्ड में थी तो। मैंने अभी देखा, वहाँ पे नहीं थी। कितने सारे कैंडी है। हो गई मैं रेडी, अभी जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि है ना 8:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो लेट नहीं होना चाहिए। बाय मम्मी। बाय 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 बाय। ये कौन सी रास्ते से आ गई अपने घर के अंदर? दीदी तुम कौन हो? गुड मॉर्निंग ची, बेस्ट ऑफ लक बोल। एग्जाम के अंदर है ना, लक काम नहीं आता, एग्जाम के अंदर पढ़ाई काम आती, पढ़ाई। चलो बहुत लेट हो गया है। बाय बाय चिकू।
कैसी जाएगी मुझे ना बहुत टेंशन आ रहा है, लेकिन जो भी होगा मैं ना पेपर पूरा अच्छे से लिख के आऊंगी। चलो आ गया मेरा कॉलेज। अभी है ना मैं फोन मामा को ही दे दूंगी, क्योंकि फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मामा के साथ में आप देख लेना, एंजॉय कर लेना। बाय, मैं जा रही हूँ एग्जाम देने। थैंक यू। चाव से खा रही है, मम्मी को बहुत पसंद है। किस किस को करेला नहीं पसंद बताओ, मेरी तरह। वैसे तो मेरे को पालक भी नहीं पसंद, लेकिन हरी सब्जी खा लेनी चाहिए। थैंक यू भाई। बहुत कड़वा है, और ये दोनों बोल रहे मीठा है नहीं, चाहे कैसे खा रहे दोनों भी। हाँ देना तुम लोग, देना सब पापा, देना बच के रहने का, बच के, क्योंकि आज ना पापा का ना मूड बहुत खराब है, खराब। तो हो गया है मेरा खाना वगैरह सब कुछ खा के। अभी है ना मैं यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और अभी थोड़ी देर में ना दोपहर में पापा घर पे आ जाएंगे, तो मुझे है ना अपनी ये जो क्लिप है ना ये भी चेंज करनी है। अभी क्या है, ये जो मेरे दांतों का है ना लास्ट स्टेज चल रहा है, दांतों का नहीं मतलब क्लिप का लास्ट स्टेज चल रहा है। अभी 2-3 महीने में है ना मेरी क्लिप भी निकल जाएगी। और हाँ, मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि है ना मेरे दांत येल्लो नहीं है, मेरी क्लिप येल्लो है। वो जो ऊपर का है ना वो येल्लो हो जाता है, क्योंकि खाने में सब्जी वगैरह होती है, उसमें हल्दी वगैरह होती है, तो उससे है ना वो येल्लो हो जाती है क्लिप। तो प्लीज़ यार आप सब लोग बार बार मत बोला करो कि आपके दांत पीले दांत पीले, ऐसे नहीं है, क्लिप येल्लो है। और हाँ, मैं क्या सोच रही थी, देखो आज क्या है, आज सैटरडे, कल क्या है, कल संडे, कल तो एग्ज़ाम नहीं होगा, और मंडे को चिल्ड्रंस डे, तो मंडे को भी छुट्टी ही रहेगी, मंडे को भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, तो 2 दिन छुट्टी है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अभी है ना हम क्लिप निकालने जाने ही वाले ना, तो है ना जाते जाते पापा को उधर से ही मैं बोलूँ कि हम मूवी देखने चलते हैं, मैं ना टिकट भी अभी बुक कर लेती हूँ, लेकिन 2 दिन छुट्टी है तो यार इतना तो बनता है, तो मैं ना अभी टिकट बुक कर रही हूँ। देखो आज मैं ना अपना न्यू वाला ये टॉप पहनने वाली हूँ, बताओ कैसा ही है। रेडी, और देखो मैंने ना आज ये न्यू वाला टॉप पहना है, ये है ना मम्मी ने मुझे दिला के दिया है, बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। और हाँ, पापा भी अभी आ गए, तो पापा को है ना मैंने कुछ बताया नहीं कि अभी हमको है ना मूवी वगैरह देखने जाना है, तो
तो आज मैं ना ये वाली हील्स पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हील्स है ना ये आउटफिट के साथ मैच कर रहे हैं। देखो सब मैचिंग पहन रही हूँ आज मैं। और मम्मी और पापा ऑलरेडी नीचे आ गए, देखो गाड़ी में भी जाके बैठ गए। बताया भी अभी हम नहीं बताएंगे पापा को। आ गई मैं, चलो। मम्मी बता दे फिर पापा को। पापा आपको एक बात बतानी है। क्या? हमको मूवी लेके चलो। कौन सी मूवी देखने की अभी? मम्मी बोलो ना पापा को, अभी दो दिन मेरे को एग्जाम को छुट्टी है ना, तो कौन से दो दिन में पढ़ाई करूंगी। पापा प्लीज ना, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। हॉस्पिटल जाने का था, तुमने ऐसा बोले तो फोन पे। हाँ तो पापा मैंने टिकट पहले ही बुक कर ली है आपको सरप्राइज देने के। हाँ सरप्राइज देने के लिए मैंने 3 टिकट ऑलरेडी बुक कर ली, क्योंकि मेरे को पता था आप नहीं बोलोगे। पापा चलो ना, इतना क्या ये कर रहे हो? हाँ ना 3 टिकट बुक भी कर लिया मैंने, प्लीज ना। कुछ भी रहता क्या रहे तुम्हारा? हाँ तो मैं कल संडे है, फिर उसके बाद में मंडे को। अरे संडे तो क्या करने का है? संडे है तो संडे छुट्टी का दिन रहता है बच्चों का एंजॉय करने का। तो कल है ना? हाँ तो क्या हुआ, कल टाइम नहीं मिलेगा ना। अभी जा रहे हैं उधर, तो देख के आते हैं। उसी रूट पे जा रहे हैं ना। अच्छे से गाड़ी चला ना, धीरे चलाओ ना पापा गाड़ी। आज कैसे 40 के स्पीड पे आ गए आप 10 की स्पीड से? हमेशा 10 की स्पीड से चलाते, आज 40 की स्पीड से चला। सहन नहीं हो रहा हमको इतना तेज चलाना। सुनो ना पापा लिख के। अरे चुप बैठे यार, किस की रही। हाँ बोलो ना। चुप बैठो यार, चुप बैठो प्लीज। हाँ तो ठीक है। अरे चुप बैठो रे। हाँ ना। अच्छा गाड़ी जरा कम स्पीड से चला। अरे बाबा साले का खोपड़ी तोड़ साले की हो रही हो जाए। उधर आगे देख, इधर मत देख। आपने फर्स्ट टाइम ऐसे पापा का गुस्से वाला रूप देखा ना। चुप बैठो क्या हुआ है पर आपको? शांति रखो ना यार थोड़ी सी। ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। पापा प्लीज ना, मेरे को बताने तो दो ना। आपने देखा ना पापा का गुस्से वाला रूप? क्या प्रॉब्लम है आपकी? झगड़ा हुआ क्या साइड पे? नहीं अभी लोगों से भी झगड़ा करते चल रहे। अभी 10 की स्पीड से ऊपर नहीं गए ना, आज तो 40-50 की स्पीड। हाँ ना, आपको आप बहुत बोलते हो आपके पापा बहुत क्यूट है। देखो असली रूप बराबर 40 की स्पीड से चल रहे हम आज। और इस बीच पापा को एक फोन कॉल आया किसी हॉलीडे कंपनी का, और उसने कहा मैं दीहू बात कर रही हूँ हॉलीडे कंपनी से। अभी पता है क्या हुआ, पापा है ना ऑलरेडी बहुत गुस्से में, ये देखो। तो है ना हॉलीडे कंपनी से है ना कॉल आया, और उसने ना क्या बोला पापा आप ही बताओ अपने मुझसे। अरे क्या है, मैं ये बात कर रही हूँ हॉलीडे कंपनी से। मैं बोला भाई क्यों बात कर रही हूँ। फोन सीधा कट कर दिया, 1 सेकंड में फोन कट हो गया। देखा पापा का गुस्सा। चलो ना पापा को है ना आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम मम्मी और मैं ना एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि पापा का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ है। पापा बहुत गुस्से में। ऊंचाई पे जाने का। नहीं ना, ये नहीं पहुंचे ना, किसी ने बाहर से उंगली करा और जाना ही होगा। गुफा में बैठे प्लीज जाओ, मुझे तो डर लग रहा है आपसे। झगड़ा झगड़ा ना करके आ जाए पापा। चलो बस चलो ना, इधर ही जाना है ना। चलो लीड किया।
मूवी 3 घंटे की थी पापा। आप बताओ आपको कैसी लगी मूवी? अच्छी है ना? हाँ, गुस्सा ठीक हुआ आपका? गुस्सा ठंडा हो गया शायद पापा का। आए तब कैसे थे, अब कैसे हैं? दिखाओ इधर शक्ल, दिखाओ ना। आ गए हम लोग घर पर। बहुत मजा आया बाहर जाके। मतलब है ना, एग्जाम के बाद में थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, टेंशन फ्री। लेकिन है ना, ट्यूसडे से फिर से एग्जाम है। ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो गई है, बस 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर से टेंशन स्टार्ट। मेरे पापा जब गुस्से में होते हैं ना, तो मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ। लेकिन है ना, आज मैंने पापा का गुस्सा ही शूट कर लिया। तो देखा आपने, मेरे पापा का गुस्सा भी कितना फनी होता है। और हाँ, अब देखते हैं कि हमारा चिल्ड्रंस डे कैसे जाता है, क्योंकि है ना, चिल्ड्रंस डे पे भी मुझे छुट्टी है। अब पापा जब भी गुस्से में होंगे ना, तो मैं शूट ही कर लिया करूंगी, ताकि आप भी हंस सको। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।